जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुलसी माता और शालिग्राम जी के विवाह, इसके शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के दौरान हमें किन चीजों का, किन विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इस सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी माता का विवाह रचाया जाता है। इस दिन को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो देव सोए हुए थे वो इस दिन जागते हैं, तो इसलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, इन सब नामों से जाना जाता है। और इसी दिन से विवाह सहित जो भी सब मांगलिक कार्य होते हैं, सभी शुभ मंगल कार्यों का शुभारंभ इस देव उठनी एकादशी से आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों, इस बार कब का तुलसी विवाह रहेगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन की विधि क्या रहेगी और हमें किन खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा पूजन कर्म पूर्णतः सफल हो सके और हमारा तुलसी विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सके। पहले तो दोस्तों, तुलसी विवाह के महत्व के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है और कुछ लोगों के घर में तो कन्या पैदा ही नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को तुलसी विवाह के इस अवसर को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, इसका जितना हो सके फायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, साल में एक बार ये तुलसी विवाह का सौभाग्य का दिन व्यक्ति के जीवन में आता है, तो जिन लोगों के घरों में कन्या का विवाह नहीं संभव हो पाता है, वहां पर कन्या का जन्म नहीं हुआ है, तो तुलसी के विवाह से भी वो कन्यादान के समान ही फल को पा सकते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे अपने जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम को गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के सीधे द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनसे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, तुलसी विवाह 2021 में जो किया जाना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पहले हम वो आपको बता देते हैं। एकादशी तिथि का समापन 15 नवंबर को प्रातः 6:39 पर होगा और द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इस बार तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा और द्वादशी तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन 6:39 से शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 नवंबर 2021 को मंगलवार के दिन सुबह 8:01 पर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया और तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या रहेगी, आइए अब उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछा लेना है और गमले को गेरू से आप रंग दीजिएगा। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं, 2 चौकी आपको लगानी है। तुलसी जी के गमले को वहां पर स्थापित कर देना है और दूसरी चौकी पर भी आपको आसन बिछा लेना है, उस पर शालिग्राम भगवान की स्थापना करनी है। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से आपको मंडप सजा लेना चाहिए और अब एक कलश में जल भरकर वहां रख दीजिएगा
और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगा करके पूजा स्थल पर उसकी स्थापना कीजिएगा। अब शालिग्राम व तुलसी जी के सामने घी का दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा। रोले कुमकुम या चंदन से उनका तिलक कीजिएगा। तुलसी माता पर लाल रंग की चुनरी आप चढ़ाइएगा। सुहाग की जो सामग्री होती है जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये सब चीजें आप तुलसी जी को अर्पण कीजिएगा। 16 सिंगार अगर अर्पण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी माता की 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। और उसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का गठबंधन करके उनको धूप, दीप, भोग, प्रसाद, नैवेद्य, 16 उपचार से उनका पूजन करके पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी और शालिग्राम जी की आरती आपको करनी है और अपने सुख सौभाग्य के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। और दोस्तों पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद आपको सभी में वितरित करना है। दोस्तों तुलसी विवाह की पूजा विधि तो हमने आपको बता दी है और किन विशेष बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए आइए हम उनको भी जान लेते हैं। दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन परिवार के सभी सदस्य भगवान विष्णु को जगाने का आह्वान करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है जिस प्रकार से आप अपने इस दुनियादारी के विवाह में शामिल होते हैं, शादी ब्याह में जैसे नई पोशाक पहनकर, नए कपड़े पहनकर आप जाते हैं, उसी प्रकार से तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए परिवार के सभी सदस्य और जो भी आपके घर पे कोई गेस्ट आया है वो सब अतिथि नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनकर इस विवाह में शामिल होने चाहिए। और जहाँ पर तुलसी का पौधा रखना है उस जगह को अच्छे से आप साफ सफाई कर लीजिएगा और पूजा करने के लिए पौधे को एकदम बीच में आपको रखना है। तुलसी का पौधा रखने की जगह पर एक बढ़िया सी रंगोली भी आप गेरू से बना लीजिएगा और साथ ही तुलसी माता के गमले को भी अच्छे से आप सजा लीजिएगा। और तुलसी माता को एक सुहागी नारी के जैसे आप सजा दीजिएगा, उनको चूड़ी पहनाकर, बिंदी लगाकर, चुनरी ओढ़ाकर दुल्हन की तरह आप सजाइएगा। और तुलसी के पौधे के दाई ओर जो चौकी आपने लगाई है शालिग्राम जी की, उसका आपको ध्यान रखना है वो दाई तरफ ही होनी चाहिए, राइट साइड में ही वो आपको लगानी है। और शालिग्राम भगवान पर दूध में भीगी हुई हल्दी आप अगर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगती है। भगवान शालिग्राम पर अक्षत की जगह तिल का आप इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि दोस्तों शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाते हैं और पूजन के दौरान मौसमी फल जैसे कि सिंघाड़े, गन्ना, बेर, आंवला, सेब, जो भी मौसम के फल हैं वो फ्रेश एकदम ताजा फल आपको भगवान के अर्पण करने चाहिए। और विवाह के समय बोले जाने वाला जो मंगला अष्टक है वो आपको जरूर से जरूर बोलना चाहिए। घर के पुरुष सदस्य भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी माता की 7 परिक्रमा अवश्य करें। और जिस तरह से गाजे बाजे के साथ बारात जाती है उसी तरह से आप भी घंटी की, शंख की ध्वनि करते हुए गाजे बाजे के साथ शालिग्राम जी की बारात लेकर तुलसी माता की 7 परिक्रमा कीजिएगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, तुलसी जी का विवाह पूजन संपन्न होने पर भोजन और प्रसाद का आपको वितरण अवश्य करना है। तो जो भी आपके घर में सदस्य हैं या कोई भी अतिथि आया हुआ है तो सबको भोजन भी कराना है और भगवान जी को प्रसाद और मिष्ठान वगैरह का भोग लगाने के बाद आप बांटने के लिए प्रसाद अवश्य रखिएगा। अपने परिवार जनों में, पास पड़ोस में उस प्रसाद का वितरण अवश्य कीजिएगा। ओके दोस्तों, तुलसी विवाह संबंधी जो भी मुख्य बातें थी, जो भी विशेष जानकारी थी हमने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।